हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरी हमेशा की आदत है। सो आज से हम एक नई बीएल सीरीज जिसका नाम है हिडन मून, जो कि एक हॉरर लव स्टोरी है, को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि पियानो बजा रहा होता है, जो कि एक्चुअल में एक घोस्ट होता है। उसकी पियानो बजाने से ही वहाँ पर जितनी भी कांच वाली चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी टूटने लगती हैं, उन सभी कांचों में दरार पड़ जाती हैं, और फिर ये घोस्ट गुस्से से पूरे घर को देख रहा होता है। सो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। हमें दिखाया जाता है कि एक घर में एक लड़का जिसका नाम केन है, जो कि मेन कैरेक्टर है, इंटर करता है। वो इस घर में इंटर करने के बाद वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों को घूर घूर के देखने लगता है, स्पेशली वहाँ पर रखी हुई तस्वीरों को। केन ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड पीछे से उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, उसको आवाज़ लगाता है। अचानक से अपने फ्रेंड को देख के यहाँ पे केन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो अपने फ्रेंड जिसका नाम तो है उसे कहता है कि तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सरकस से तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। तभी यहाँ पर बिंग जो केन का ट्रेनी है वो कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे डर लग रहा है। तभी यहाँ पे तो कहता है ये घर किसी भूतिया फिल्म की शूटिंग सेट के जैसा है। तभी वहाँ पर थैन और मनवा आते हैं, और यहाँ पर जो मनवा होती है वो थैन से पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोलती है, और जो थैन है वो मनवा के पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। तभी यहाँ पे थैन कहता है कि ये जगह फोटोज में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे मनवा कहती है कि अगर ये जगह अभी ऐसी है तो सोचो अगर हम रिनोवेशन से पहले आते तो ये जगह कैसी होती। तभी यहाँ पे तो कहता है कि एक भूतिया घर के जैसे। तो यहाँ पे बैंक कहता है कि तो इस तरीके का मजाक मत करो। तो यहाँ पे तो कहते हैं क्यों, तुमको डर लग रहा है, तुम एक ट्रेनी हो, तुम इतना ज़्यादा डर रहे हो। और फिर वो केन को आवाज़ लगाता है, कहता है कि केन मैं सही बोल रहा हूँ ना, लेकिन केन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। तो उसको ऐसा करते देख के तो कहता है कि देखो ये फिर से बहुत ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहा है। इतना बोलने के बाद तो जो होता है वहाँ पर रखी हुई फ़ोटोज़ को देखने लगता है, और कहता है कि अगर इस घर में सच में भूत हैं तो उनको हमारा सामान कैरी करना चाहिए, नहीं तो फिर वो बेकार है। देखो उनके गेस्ट आ चुके हैं और कोई भी यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, उस लेडी को अचानक से देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी मानवा उस औरत को हेलो बोलती है और कहती है कि हेलो आंटी जी, आप कैसी हैं। मानवा की बात सुनने के बाद ये आंटी उसको घूर घूर के देख रही होती हैं। तभी मानवा उससे कहती है कि मेरा नाम मानवा है और हम लोग इस घर को एज अ टूरिस्ट प्लेस के तौर पर बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये आंटी जी कहती है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचा दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि किंग और बाकी के लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर सामने एक रूम होता है जिसका दरवाजा बहुत ज्यादा अजीब से होता है, और उसको किंग घूर घूर के देख रहा होता है। तभी आंटी जिन वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि जो नीचे कमरा है वो मास्टर का कमरा है, बाकी का सारे कमरे ऊपर हैं, इसलिए तुम लोग सीधा जाओ, सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ पे मैंने तुम सब लोगों के लिए सारी व्यवस्था करके रखी है। तभी यहाँ पे थैन कहता है कि मैं मास्टर रूम में रहूँगा और इस तरीके से मानहवा को बार बार ऊपर और नीचे नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कहता है कि ओ तो आप खुद को जेंटलमैन शो करने के लिए तुम उसका यूज़ करोगे और इतना बोलने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि किंग अपना सामान लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पे पड़ती है जिसको देखता रहता है वो घूर घूर कर, और उस दरवाजे की तरफ जाने वाला होता है। तभी आंटी जैन उसको रोकती है और कहती है कि किसी दूसरी जगहों पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस अपने काम से काम रखो। इतना बोलकर ये जो आंटी चैन होती है वो बहुत ही डरावना एक्सप्रेशन देती हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो केन होता है अपने दोस्तों के साथ कमरे पे पहुंचता है। तभी यहाँ पे जो बिंग होता है वो केन से कहता है कि मुझे अगर आधी रात में पियानो की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि केन को भी पियानो बजाना आता है और उसके रूम में एक पियानो रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे तो कहता है कि चलो अपने अपने कमरों में चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ अपना कमरा देखने के लिए। इन सब लोगों के जाने के बाद मिंग जो होता है अपना कमरा बहुत ज़्यादा अच्छे से घूर घूर के देखता है, और फिर अपने बैग से एक बुक निकालता है और वो पढ़ने लगता है। तभी पिंग वहाँ पर आता है और बहुत ज़्यादा घबराते हुए किंग को आवाज़ लगाता है। किंग तो यहाँ पे किंग उससे कहता है कि क्या हुआ बिंग। तो यहाँ पे बिंग उससे कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी मैं तुम्हारे रूम में आ गया ये देखने के लिए तुम्हारा कमरा कैसा दिखता है। और यहाँ पर किंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है बिंग, अगर आज हमें कोई काम नहीं करना है तो ये अच्छा होगा कि हम बैठ कर बातें करें। तो यहाँ पे बिंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तब यहाँ पे किंग उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा लंबे समय के लिए रुक पाता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। तो यहाँ पे बिंग कहता है कि क्या यहाँ पर रुकना, एक डरावना घर जो कि जंगल के बीचों बीच में है, ऐसे घर में तुम रुकना चाहते हो सच में? ये सुनने में बहुत ज़्यादा भयानक है, और वो भी अगर हम इस घर के हिस्ट्री को देखें तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पे केन कहता है कि क्या कैसा इम्प्रेसिव। तो यहाँ पे बिंग कहता है कि देखो मैं बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सिक्स सेंस है और मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। बिंग की बातें सुनने के बाद केन उससे कहता है कि बिंग अब तुम मुझे डरा रहे हो। तभी यहाँ पे बिंग उससे कहता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ
तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकता हूँ? मैं मैं सच में अकेले नहीं सोना चाहता, और टॉन के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत मोहब्बत है, वो हमेशा बकर बकर करते रहता है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ना तुम्हें खराटे लूँगा और ना ही मैं बिस्तर में बहुत ज़्यादा करवटें मैं बदलूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं बिस्तर भी फोल्ड कर दिया करूँगा, कमरे का झाड़ू पोछा भी कर दिया करूँगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे अपने पास रहने तो दो। यहाँ पे किंग कहता कि ठीक है, अगर तुम इतना सब कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने दूंगा। कीन की बात सुनने के बाद बिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहते कि क्या सच में? ऐसा बोल कर वो कीन को हक कर लेता है और कीन को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। तभी तो भी उस कमरे में आ जाता है और कहता है कि हे, सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या किसी को अभी तक कुछ मिला? तभी यहाँ पे बिंग जो था वो चुपके से कीन के कान में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, बताया था ना मैंने तुम्हें। तो यहाँ पे तो कहता है कि तुम लोग क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो, मेरे बारे में गॉसिप्स कर रहे हो, यू इंटर्न? तो की बातें सुनने के बाद केन स्माइल करने लगता है। तभी तो केन से कहता है कि क्या तुमने अपना सामान अनपैक कर लिया है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो पे केन उससे कहते हैं कि क्या, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट सीन हमें बुद्धा टेम्पल का देखा जाता है, जहाँ पर ये सब लोग साइकिल चला के पहुँचे भी होते हैं। थैन यहाँ पर नामुआ के पिक्चर्स क्लिक करने लगता है और बाकी के सब लोग हर एक तरह की खूबसूरती देखने लगते हैं, और यहाँ पे केन होता है वो बुक्स में ही उलझा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बुद्धा का प्रे कर रहे होते हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें इन सब लोगों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो तो होता है वो सभी लोगों की पिक्चर्स क्लिक करता है, वीडियोस बना रहा होता है। तो वो देखता है कि बिंग जो है वो एक स्ट्रॉबेरी ड्रिंक पी रहा होता तो है। यहाँ पे तो बिंग से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मीठा पी रहे हो। तो यहाँ पे बिंग कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये पसंद है तो मैं पीता हूँ, मैं कम से कम इस कपल के जितना स्वीट तो नहीं हूँ, है ना? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नामुआ और थैन बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। तभी तो उनसे कहता है क्या तुम लोग अपनी प्री वेडिंग के लिए फोटोज़ को क्लिक कर रहे हो? हाँ। तभी यहाँ पे नामुआ कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम लोग भी फोटो क्लिक करवाना चाहते हो तो तुम लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। और सब बोलकर यहाँ पे जो तो और बैंग होते हैं सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सब लोग फोटोज़ क्लिक करने लगते हैं। तभी हमें केन को दिखाया जाता है, जिसकी नज़र पास के एक शॉप पर पड़ती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही होती है। तो केन जो होता है वो शॉप की तरफ जाता है, उस शॉप में एंटर करता है और देखता है कि एक लड़का वहाँ पर काम कर रहा है। केन जो होता है वो उस शॉप की चीज़ों को देखता है। तभी वो एक खिलौने को टच करता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो उस खिलौने को उठाता है और शॉपकीपर से बोलने वाला होता है कि ये खिलौना कितने में दे रहे हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वो दुकान वाला अचानक से केन के पीछे जाता है और उसको हेलो बोलता है, और ये सुनते केन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन हमें इन सब लोगों को थाई ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखाया जाता है, जहाँ पे थैन जो होता है वो नामुआ के पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है, और यहाँ पे नामुआ बहुत सारे पोजेस दे रही होती है। तभी वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और यहाँ पर सब लोग साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं बहुत सारे पोज दे देकर। नेक्स्ट सीन हमें इन लोगों के डिनर टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग रेस्टोरेंट में अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं, और तभी थैन के पास उसकी बॉस कैट कॉल करती है। तो थैन कहता है कि देखो मिस कैट मुझे कॉल कर रही हैं, सो मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई इस फ़ोन को उठाए और उसको स्पीकर पर रखे। और तभी सब लोग कीम से बोलते हैं फ़ोन उठाने के लिए। तभी जो कीम होता है वो फ़ोन पिकअप करता है और उसको स्पीकर पे करता है। तभी जो मिस कैट होती है वो कीम से पूछती हैं कि उस घर का हॉन्टेड हाउस होना क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, और वहाँ पर सीन क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कीम कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये जगह उतनी स्केरी नहीं जितना हमने सोचा था, इसका रिनोवेशन होने से ये जगह काफ़ी बेटर हो गई है। तभी यहाँ पे मिस कैट कहती है मिस्टर कीम क्या ये तुम हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने मिस्टर थैन को कॉल किया था। खैर कोई नहीं, सो मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों को अभी तक कंटेंट बनाने के लिए कोई कूल चीज़ वहाँ पर मिली है? तो यहाँ पे केन कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा आशा है कि कुछ ही दिनों में हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और हाँ, क्लाइंट्स के बैरियर्स को मत भूलना, वो नहीं चाहते कि उस घर में कोई सुपर नेचुरल चीज़ें हों, वो बस चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ हो जिसको वो एक बेहतर वे में प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे किन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मिस कैट कहती है ठीक है, जैसे तुम लोगों को कोई अपडेट मिलती है मुझे तुरंत मेल करो किसी भी टाइम, और अगर तुम लोगों को कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो किन होता है वो मिस कैट को थैंक्स बोलता है और कॉल हैंग अप कर देता है। कॉल कट होने के बाद तैन कहता है कि ठीक है एवरीबॉडी, आज की पार्टी तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं आज का ट्रिप, लेकिन इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो इसके बाद सब लोग एक साथ में यस सर बोलते हैं। तो यहाँ पे थैन कहता है कि एक बार हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं तुम लोगों को एक फाइनल फेयरवेल ट्रिप पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे बेंग कहता है कि आपकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं सिर्फ आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे थैन कहता है कि मेरे साथ काम करने का मतलब है काम तो करना ही है लेकिन इन्जॉय भी करना है। इसके बाद ये सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक पीते हैं और पूरी नाइट इन्जॉय करते हैं बढ़िया। वो क्या बोलते हैं उसको, फायर फायर वॉट एवर जो भी बोलते हैं, फुलझड़ियाँ जला के जो भी शो होता है वो शो देखते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉन्टेड हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे नामो कहती है कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही चल लिया, मेरे पैरों में सूजन आ गई है। तो यहाँ पे तैन कहता है कि क्या तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है,
कोई नहीं, आज रात मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूंगा। इन लोगों की ऐसी बातें सुनने के बाद केन स्माइल करता है और कहता है कि थैन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड किया और अभी भी उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो अपने पार्टनर के साथ भी इतना अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। तो यहाँ पे थैन कहता है कि मैं कुछ ऐसा ही हूँ, सो हम लोग कल सुबह 9 बजे से काम करना स्टार्ट करेंगे और इसीलिए अभी सब लोग जाके बहुत ज़्यादा आराम कर लो। थैन और नामुआ के जाने के बाद बींग जो होता है वो केन से कहता है, केन तो क्या अब हम लोग भी रूम में चल रहे हैं? तो फिर केन कहते हैं कि नहीं, मैं आंटी जैन के लिए कुछ स्वीट्स लेकर आया हूँ, मैं पहले उनको ये जो है पैकेट देकर आता हूँ। तो यहाँ पे बैंग कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तो यहाँ पे केन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और सब बोलकर बैंग के करीब जाता है, उसको स्मेल करता है और उससे कहता है कि अच्छा ये हो गया कि तुम पहले जाके शावर ले लो। केन की ये बात सुनने के बाद बैंग खुद को स्मेल करता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। खैर चलो ठीक है, मैं पहले जाके शावर ले लेता हूँ, और हाँ प्लीज़ थोड़ा जल्दी आना क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट सीन में हमें आंटी जिम को दिखाया जाता है जो कि अपना कुछ सामान रख रही होती हैं, तभी अचानक से वहाँ पे कीन आ जाता है। कीन को अचानक से देखकर आंटी जिम थोड़ा सा घबरा जाती हैं, तो जो कीन होता है वो आंटी जिम से कहता है कि आई एम सॉरी आंटी जिम कि मैंने आपको डराया। तो यहाँ पे आंटी जिम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तो आदत हो गई है, तुम अपना कहो। तो यहाँ पे कीन उसे कहता है कि आंटी जिम मैं आपके लिए कुछ स्वीट्स लेकर आया था, और सब बोलकर वो बैग आंटी जिम को दे देता है और आंटी जिम उसे ले लेती हैं। तो यहाँ पे कीन उसे कहता है कि आंटी जिम अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं आपसे इस घर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आंटी जिम कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं बस इस घर का ख्याल रखती हूँ और बस इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे किम उससे कहता है कि क्या आपने कभी उस एक शैतानी महिला की आत्मा के बारे में सुना है? ऐसा मैंने सुना है कि घर में एक चुड़ैल रहती है। तो यहाँ पे आंटी जिम कहती है कि देखो अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती, मेरा आज का काम खत्म हुआ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे कीन कहता है कि कुछ भी आप जो भी सिलेक्ट करेंगे हमको चलेगा। कीन की बात सुनने के बाद आंटी जी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही एक नौकरानी अचानक से कीन के सामने आती है और उससे कहती है कि मैं तुमको इसके बारे में बता सकती हूँ क्योंकि मैं हमेशा इसके बारे में सुनती रहती हूँ। ये सुनकर कीन थोड़ा शॉक होता है। तभी वो लड़की कीन को इधर उधर टच करने लगती है और उससे पूछती कि कैमरा कहाँ पर है, क्या मैं टीवी पर आऊँगी? हाँ। तभी यहाँ पे कीन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कल खुद से सब चीज़ों के बारे में पता लगा लूंगा, ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तभी ये लड़की कीन को रोकती है और कीन से कहती है कि तुम अपना कैमरा निकालो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि भूत, और फिर अजीब तरीके से एक्टिंग करके उसको बताती है कि भूत इस तरीके से घूर घूर के देखते हैं, भूत इस तरीके से डरावने स्माइल देते हैं। इस लड़की की पागल हरकतों को इग्नोर करता हुआ कीन वहाँ से चला जाता है और बेडरूम में जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि बिंग जो है वो बेड पे बैठा हुआ है और बो कर रहा है। तभी यहाँ पे कीन जो होता है बिंग से पूछता है कि बिंग क्या तुम हर रात इसी तरीके से प्रार्थना करते हो? तो यहाँ पे बिंग कहता है कि नहीं हर रात नहीं, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि अगर मुझे किसी दूसरी जगह पे रात में रुकना पड़े तो मुझे रात में प्रार्थना करनी चाहिए, इससे मेरा मन शांत रहेगा और मुझे अच्छी नींद आएगी और इससे रात में मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। बिंग ऐसी बात सुनने के बाद किन उसे कहते हैं कि तुम्हारे इन सब चीज़ों को बोलने का क्या मतलब है? तो बिंग उसे कहता है कि अब मैं और ज़्यादा बातें नहीं करने वाला, अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। बिंग की ऐसी बचकानी हरकतों को देख कर किन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, फिर वो लाइट ऐसे ऑफ करता है, प्रे करता है और प्रे करने के बाद आराम से सो जाता है। फिर हमें रात के 3 बजे का समय दिखाया जाता है। फिर हमें बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से एक दरवाज़ा खुलते हुए दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस समय बैंक जो था वो पानी पीने आया हुआ होता है, वो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ फील कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बैंक पहले से उठा हुआ है और तभी वहाँ पर कीन उठता है। कीन उठकर बैंक को ऐसा जगा हुआ देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बैंक से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए। इतना बोलकर कीन जो होता है वो अंगड़ाई लेता हुआ उठता है और बैंक से कहता है बैंक तुम्हें कल रात ठीक से नींद तो आई थी ना? तो यहाँ पे बिंग सरिला कर हाँ बोलता है। तो किन उसे कहते हैं ठीक है अब जल्दी से उठो, मुंह धो लो और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि आंटी जेम ने टेबल पे बहुत सारी तरह तरह की डिशेज रखी हुई होती हैं और सभी लोग वहाँ पर बैठे भी होते हैं। तभी यहाँ पे ये सारे लोग आंटी जैम को इन सारे ब्रेकफास्ट और सभी डिशेज के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती और हैप्पीनेस के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें थैन को दिखाया जाता है जो कि एक पेपर पर एक स्कैनर को स्कैन करता है, उसको घर की हिस्ट्री मिलती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये घर किंग रामा के रामा 5 के समय में बनाया गया था। और फिर थैन कहता है कि मुझे लगता है कि घर अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और ना ही क्लाइंट के क्राइटेरिया को मैच करता है, इसकी स्टोरी लाइन अभी भी बहुत ज़्यादा बोरिंग है और मुझे नहीं लगता कि इसकी स्टोरी लाइन ऑडियंस को कैच करेगी। तो यहाँ पे तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसी हॉन्टेड स्टोरियाँ ढूंढनी चाहिए जो कि ऑडियंस की एकदम मतलब वो करके रख दे। और मिस कैट ने भी मुझसे कहा था कि आजकल थाई लोग हॉरर स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि अगर हमारी स्टोरी ऐसी होगी तो हमारे व्यूवर्स एकदम हाई क्लास पे जाएंगे।
क्यों तुम इंटरेस्टेड हो इसमें? तभी यहाँ पे थैन कहता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं तुमसे एग्री करता हूँ। और फिर वो केन से कहता है कि केन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो यहाँ पे केन कहता है कि नहीं भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं पहले कुछ रिसर्च करना चाहूँगा और अगर तुम चाहो तो तुम पहले इसके बारे में मिस्टर कैट से पूछ सकते हो।